इस देश के अंदर दलित अपने अधिकारों के लिए लेकर के रोड पर लड़ेगा तो वो नक्सलवादी और माओवादी है, मुसलमान लड़ेगा तो वो पाकिस्तानी है, किसान लड़ेगा तो वो खालिस्तानी है। आज ये बेटियां यहाँ बैठी हैं तो ये जाटों की हो गई हैं, अब आज से पहले देश की हुआ करती थी, आज ये जाटों की बेटियां हो गई हैं, आज ये सिर्फ हरियाणा की बेटी रह गई हैं। तो आप इनका भी धर्म इनकी भी जाति तय होगी। सरकार के पक्ष में अगर आप बोलोगे, सरकार के हिसाब से आप अगर बोलोगे, सरकार जितनी चाबी भरे उतने अगर आप बोलोगे तो सरकार आपको गोल्ड मेडल देगी, सरकार आपको भारत रत्न देगी, पद्मश्री देगी, पद्म विभूषण देगी, हर वो बड़े से बड़ा सम्मान देगी जो सरकार के पास में है। उस दौर में जिस दौर में सरकार ये तय करती हो हमारे फंडामेंटल राइट्स कुचले जा रहे हो, संविधान को इसी जंतर मंतर पर जलाया जाता हो, डॉक्टर अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महिलाओं के खिलाफ सरकार षड्यंत्र बना करके काम करती हो, हमको नक्सलवादी माओवादी पाकिस्तानी खालिस्तानी बताती हो, तो मेरी और आपकी जैसी जो मुठ्ठी भर लोग जिनका जमीर जिंदा की ड्यूटी बन जाती है कि वो मुखर होकर के बोले। और जो मानसिकता है धर्मग्रंथ के आधार पर चलती है, जो लोग इस देश को एक धर्म में रंग देना चाहते हैं वो नारी विरोधी है, जिस मनुस्मृति से लोग इस देश को चलाना चाहते हैं वो धर्मग्रंथ क्या नाम है नारी विरोधी है, और उसी मनुस्मृति को मानने वाले लोग जो आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं, आज बड़े तमाम पदों पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए नारी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उनके लिए नारी महज एक नारी है और उनके लिए एक मनोरंजन का साधन है। बाबा साहब जो कि एक व्यापार कर रही है, धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है और एक होटल चला रही है, उस पर अगर टिप्पणी कर दी गई तो सरकार उसके बचाव में उतर आई। क्या वो सरकार, क्या वो संवैधानिक पद पर थी, क्या मिनिस्टर थी, क्या एमएलए थी, क्या एमपी थी, क्या राज्यसभा सांसद थी, क्या एमएलसी थी, नहीं थी ना, लेकिन फिर भी सरकार उसका बचाव इसलिए कर रही थी क्योंकि स्मृति ईरानी की बेटी थी। लेकिन जिन बेटियों ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, वो बेटी रोड पर बैठी है, आज स्मृति ईरानी गायब है, सरकार गायब है। देखिए क्या ना कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे पहले बैठे थे चाहे वर्तमान में बैठे, मानसिकता वही है। जब तक नारी विरोधी मानसिकता रहेगी, मनुवादी मानसिकता रहेगी, एक जाति एक धर्म एक झंडे एक धर्म ग्रंथ को लेकर के मानसिकता रहेगी, तब तक इस प्रकार का शोषण उत्पीड़न होता रहेगा, वो चाहे इस वाली सरकार में हो, चाहे उस वाली सरकार में हो, चाहे आने वाली सरकार में हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि देश के संसाधनों पर जो चंद जाति के लोग बैठे हैं, चंद जो एक मानसिकता के लोग बैठे हैं, जो मानसिकता नागपुर से चलती है, जो मानसिकता एक धर्मग्रंथ के आधार पर चलती है, जो लोग इस देश को एक धर्म में रंग देना चाहते हैं वो नारी विरोधी हैं, जिस मनुस्मृति से लोग इस देश को चलाना चाहते हैं वो धर्मग्रंथ क्या नाम है नारी विरोधी है, और उसी मनुस्मृति को मानने वाले लोग जो आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं, आज बड़े तमाम पदों पर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए नारी किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, उनके लिए नारी महज एक नारी है और उनके लिए एक मनोरंजन का साधन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि किसी भी समाज ने कितनी तरक्की की है, अगर ये आकलन करना हो तो ये तय कर लीजिए कि उस समाज में उसकी महिलाओं ने कितना तरक्की की है। तो आज आप देखिए कि हम आज़ादी के 75 वर्ष के बावजूद भी जो देश की बेटियाँ देश के लिए गोल्ड मेडल जीतती हों, जो देश की बेटियाँ देश विदेश में जाकर के विदेश इंटरनेशनल पटल पर देश का राष्ट्रीय गान और तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाती, आज उन वो बेटियां न्याय मांगने के लिए जंतर मंतर पर खुले आसमान के नीचे बैठी हैं और प्रधानमंत्री जी का घर यहां से चंद कदमों की दूरी पर है। तो आप समझ सकते हैं जो बीजेपी के लोग ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको डूब के मर जाना चाहिए कि जिन बेटियों ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, जिन बेटियों ने इस देश का गौरव बढ़ाया, जिन बेटियों की वजह से आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिले, जिन बेटियों की वजह से इस देश के खजाने में सोने की बढ़ोतरी हुई, आज वो बेटियां खुले आसमान के नीचे ये कह रही हैं कि बीजेपी का 5 बार का सांसद गोंडा से ब्रजभूषण शरण सिंह उनका शोषण करता है, उनके 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 ऊपर शारीरिक उत्पीड़न करता है, और सरकार के मुंह में सरकार के पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके मुंह में दही जमी हो, तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से ब्रजभूषण सिंह को पहले पद से हटाए, उसके बाद में न्यायिक जाँच हो, FIR होनी चाहिए ताकि इन बेटियों को न्याय मिल सके। जिस तरह से स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर जब टिप्पणी की गई थी उनके रेस्टोरेंट को लेकर, कथित रेस्टोरेंट को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि ये बेटियों की अस्मिता का सवाल है, लेकिन आज जब देश की बेटियां बैठी हैं तो स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही। देखिए आप इस बात को समझ लीजिए, मैंने कहा ना कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, आपको कितना बोलना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको किसके समर्थन में बोलना है, आपको किसके विरोध में बोलना है। तो ये जो स्मृति ईरानी जिस महिला का आपने नाम लिया, पहली बात तो मैं उसको महिला मानता नहीं, क्योंकि जो महिला के अंदर पीड़ा ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, ममता ना हो, वो कैसी महिला है भाई। आज तेरी बेटी तो बेटी है, तेरी बेटी पर किसी ने टिप्पणी कर दी तो मतलब सरकार आधी से ज़्यादा खड़ी उस बेटी के समर्थन में होगी, जिस बेटी जो कि एक व्यापार कर रही है, धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है और एक होटल चला रही है, उस पर अगर टिप्पणी कर दी गई तो सरकार उसके बचाव में उतर आई। क्या वो सरकार, क्या वो संवैधानिक पद पर थी, क्या मिनिस्टर थी, क्या MLA थी, क्या MP थी, क्या राज्यसभा सांसद थी, क्या MLC थी, नहीं थी ना, लेकिन फिर भी सरकार उसका बचाव इसलिए कर रही थी क्योंकि वो स्मृति ईरानी की बेटी थी। लेकिन जिन बेटियों ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, वो बेटी रोड पर बैठी हैं।
आज स्मृति ईरानी गायब है, सरकार गायब है, प्रधानमंत्री गायब है, देश की राष्ट्रपति जो है वो महिला हैं और प्रथम नागरिक है देश की। मेरी अपील है उनसे कि उनका भी राष्ट्रपति भवन यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, वो सरकार अपनी सरकार से कहें कि जाइए और सरकार की देश की उन बेटियों से मिलिए जो बेटी रोड पर बैठी हैं। हमने देखा कि कैसे ब्रिजेश्वर शरण सिंह का एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल करने के बाद खुद को निर्दोष बताता है, जब तक लड़ूंगा हर अपराधी अपने आप को निर्दोष बताता है। तिहाड़ जेल में आप चले जाइए कैमरा और आईडी लेकर के, वहाँ जिनके ऊपर 100-100 मुकदमे चल रहे हैं आप उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हम निर्दोष हैं। तो ये आदमी मैं कहने लगूं मैं निर्दोष हूँ तो ये मैं थोड़ी तय करूंगा, अगर मेरे तय करने से ये हो जाएगा कि मैं निर्दोष नहीं हूं तो फिर ये न्यायपालिका, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, शासन प्रशासन क्यों बनाया है आपने? आप इसको समझिए, हर अपराधी यही कहता है। कुलदीप सिंह सेंगर भी तो यही कहता था मैं अपराधी नहीं हूँ। जिन लोगों ने हाथरस में रात के अंधेरे में एक दलित बच्ची को पहले बलात्कार किया, हत्या की और पेट्रोल छिड़क करके जिसको रात के अंधेरे में जला दिया गया, वो भी यही कह रहे हैं कि हम अपराधी नहीं हैं। लेकिन ये तय अपराधी नहीं करता, जिस पर आरोप लगता वो नहीं करता, ये तय हमेशा शासन करता है, प्रशासन करता है, सिस्टम करता है, क्योंकि देश के अंदर न्यायपाल लोकतंत्र और लोकतंत्र में न्यायपालिका का सिस्टम है। इस सरकार के वो जवान से लेकर किसान और किसानों के बाद पहलवान हर कोई सड़क पर हम देख चुके हैं, क्योंकि सरकारों की जो नीतियाँ हैं वो वाकई सवाल के घेरे में। आप इस बात को समझिए, इस देश के अंदर दलित अपने अधिकारों के लिए लेकर के रोड पर लड़ेगा तो वो नक्सलवादी और माओवादी है, मुसलमान लड़ेगा तो वो पाकिस्तानी है, किसान लड़ेगा तो वो खालिस्तानी है। आज ये बेटियां यहाँ बैठी हैं तो ये जाटों की हो गई हैं, अब आज से पहले देश की हुआ करती थी, आज ये जाटों की बेटियां हो गई हैं, आज ये सिर्फ हरियाणा की बेटी रह गई हैं। तो आप इनका भी धर्म इनकी भी जाति तय होगी। सरकार के पक्ष में अगर आप बोलोगे, सरकार के हिसाब से आप अगर बोलोगे, सरकार जितनी चाबी भरे उतने अगर आप बोलोगे तो सरकार आपको गोल्ड मेडल देगी, सरकार आपको भारत रत्न देगी, पद्मश्री देगी, पद्म विभूषण देगी, हर वो बड़े से बड़ा सम्मान देगी जो सरकार के पास में है। लेकिन सरकार के खिलाफ अगर आप बोलोगे, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आप बोलोगे तो सरकार आपको जातिवादी बताएगी, धार्मिक बताएगी, आस्था पर चोट करने वाला बताएगी, अपनी भावनाओं की कदर ना करने वाला बताएगी, सरकार आपको वो तमाम वो चीज बताएगी जो सरकार चाहती है। तो आप इस सिस्टम को समझिए, सरकार जो कर रही है उसका प्लान तय है। देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं पिछले कई सालों से बोल रहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट, एज ए क्या नाम है साहित्यकार, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं कबीर का वंशज हूँ, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं रोड पर खड़े होकर के सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलूँ, और मैं बोल रहा हूँ। मेरे ऊपर भी मुकदमे हैं देश भर में 17-18। मैं हमेशा से लोगों से कहता हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग भी डर गए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मरी तो जाएंगे, गोली मार देगा कोई बात नहीं, मर जाएंगे, लेकिन अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लें हमसे ये तो पूछेंगी ना कि राहुल नागपाल जिस समय देश की बेटियां रोड पर बैठ करके न्याय मांग रही थी तुम कहां थे? तो मैं कह सकता हूं ना, मैं जंतर मंतर पर खड़े होकर इनके समर्थन में बोल रहा था, मैं कह सकता हूं जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मैं बोल रहा था, मैं कह सकता हूं कि जब मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ था तो मैं इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की आवाज़ बन करके, सावित्रीबाई फूले की आवाज़ बन करके मैं वहां बोल रहा था। तो ये मेरी और आपकी तमाम लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि उस दौर में जिस दौर में सरकार ये तय करती हो हमारे फंडामेंटल राइट्स कुचले जा रहे हो, संविधान को इसी जंतर मंतर पर जलाया जाता हो, डॉक्टर अंबेडकर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हो, SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं के खिलाफ सरकार षड्यंत्र बना करके काम करती हो, हमको नक्सलवादी, माओवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बताती हो, तो मेरी और आपकी जैसी जो मुट्ठी भर लोग जिनका जमीर जिंदा, उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो मुखर होकर के बोले, और जब तक हम लोग मुखर होकर के नहीं बोलेंगे तब तक ये सरकार अपने तरीके से काम करती रहेगी। राहुल जी, एक सवाल ये भी है, जैसे अभी इन लोगों पर बीती तो ये सड़कों पर आए, अभी पीछे कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे हाथरस वाला पूरा मामला था उसमें रातों रात बिटिया को जला दिया गया, वैसे ही बिल्किस बानो के जो दोषी थे उनको छोड़ा गया, तो आम जनता, आम आवाम ये सवाल करती है कि ये लोग जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं उस वक्त ये क्यों नहीं निकलते, इनके ट्विटर हैंडल पर क्यों सरकार की सिर्फ तारीफ ही निकलती है, क्यों उनको जो है सवाल खड़े नहीं होते कि आप खड़े हो इनके साथ? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब और ये सवाल बनता है। देखिए मैं क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, इनको भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए। अगर देश के अंदर हाथरस कांड होता है, बिल्किस बानो के साथ जस्टिस नहीं होता है तो बोलना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अगर गुजरात के अंदर जस्टिस बानो, क्या नाम है उसके, बानो के, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ करके उनके गले में माला पहनाएगी तो ये तो शर्मनाक था लोकतंत्र में। एक बेटी को पहले प्रेग्नेंट को क्या नाम है उसके हत्या, उसके साथ बलात्कार किया गया, शोषण किया गया, और बाद में जिन लोगों पर आपराधिक मामले थे उनको जेल से छोड़ करके उनके साथ में क्या नाम है आप फोटो खिंचवा रहे हो, सेल्फी खिंचवा रहे हो, तो ये शर्मनाक है। हाल ही में जो बिहार में हुआ, जिस प्रकार से एक दलित आईएएस की हत्या करने वाले एक अपराधी को वहां कानून में संशोधन करके उसको जेल से छुड़ाया गया, और वो छुड़ाने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो कह रहे हैं हम बहुजन समाज के हितेशी हैं, हम क्या नाम है, हम तेजस्वी यादव हैं, हम लालू यादव के बेटे हैं, हम उप मुख्यमंत्री हैं, और वो उनके परिवार वहां जाकर शामिल, तो वो भी उतना ही अपराधी शर्मनाक है जितना बिल्कुल मामलों वाला मामला शर्मनाक है। और ये जो लोग जो यहां बैठे हैं,
और जो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ साइड कर लेते, मतलब कहते ना कि जब अपने दर्द, मतलब जब अपना दर्द होता है तो हम रोड पर हैं, और जब दूसरे का दर्द होता है तो सोचते हैं कि नहीं यार चलो हमने क्या बोलना है। जबकि मैं कहता हूँ कि आप सेलिब्रिटी हो, आप पहलवान हो, आप साहित्यकार हो, आप पत्रकार हो, आप कवि हो, आप जो भी हो, अगर आपके इस देश के अंदर कुछ फॉलोअर हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि हर गलत काम का विरोध करना, संवैधानिक राइट्स के लिए लड़ना और इस देश के जमहूरियत को बचाए रखने के लिए लड़ना आपकी उतनी ही ड्यूटी है जितनी एक आम आदमी की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.